घर में हम लोगों के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई कि हम घर आखिर छोड़ के क्यों आए। बहुत सारे हमने ताने सुने, बहुत डांट सुनी। मैं भी घर पे रहना चाहता था, मैं भी बिहार में रहना चाहता था, मैं भी बिहार के लिए काम करना चाहता था। शक्ल तक हम देखना नहीं पसंद करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे, वो लोग भी कुछ कुछ मुंह पे बोल के जा रहे थे और हम लोग चुपचाप सुन रहे। हम लोगों ने ये सोचा कि यार अगर आगे बढ़ना है ना तो हम लोगों को अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा। फैमिली व्हाट्सएप नमस्कार केम छे आदाब सत श्री अकाल वनकम का हलवा कैसन बानी रहुआ लोग। उम्मीद बाकी सब लोग बढ़िया बानी, एकदम मस्त बानी। तो गाइज लोग आज के ब्लॉग काफ़ी धमाकेदार हुई। आज की ब्लॉग रहुआ लोग काफ़ी पसंद हो आई कि आज के ब्लॉग में हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताने वाले हैं आप सबको। और अभी मनीषा अपनी शॉर्ट वीडियोस वगैरह की तैयारी कर रही है। आज मनीषा के चेहरे पे अलग चमक भी है, उसका भी राज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ के साथ आज इनके चेहरे पे अलग ही चमक है, थोड़ा नहा धोवा के आज हम लोग बाहर, काफ़ी दिन बाद बाहर आए हैं। वैसे मनीषा भी बाहर आई ना, तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे हम लोग, दिखा के बताएंगे ना, नहीं बताएंगे हम लोग, स्टोरी बताएंगे ना। हाँ वो भी बताएंगे। अच्छा, आज तो आज मनीषा वैसे क्या दिखाना चाहती है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बहुत सारी आजकल ना फेस क्रीम अपना मतलब फेस पे ना ये काम कर निखारने के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है purple.com से। तो वो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मंगवाया हुआ है इन्होंने। खैर आज की वीडियो में हम लोग क्या बताने वाले हैं इस पर बात कर लेते हैं। आज आप लोगों को हम लोग अपने शादी से रिलेटेड, अपनी लव स्टोरी से रिलेटेड, हमारी लड़ाइयाँ क्यों होती है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको स्टोरी पसंद आएगी, इसलिए ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और इनकी चमक धमक के बारे में बाद में आपको बीच में बता ही देंगे। खैर गाइस स्टोरी हम लोग क्या स्टार्ट करें। स्टार्ट आप लोगों को करने से पहले दो तीन चीज़ आपको सस्पेंस बता देता हूँ मैं। पहली, अगर आप चाहेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में स्टोरी लाएंगे। बताना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि इनकी लाइक मैंने एक बार पोस्ट किया था कि मनीषा की दूसरी एंगेजमेंट हुई है, लेकिन अब इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। मेरी दूसरी एंगेजमेंट हुई है, ये भी आप अगर जानना चाहेंगे तो बताएंगे इसके बारे में कभी। और मनीषा और मेरी शादी के दिन झगड़ा भी हुआ था विदाई के टाइम पे, वो भी आप लोगों से शेयर किया जाएगा। बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था, छोटा मोटा कुछ कुछ था जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। मुझे याद है तुम गाड़ी में बैठ गई थी, तुम विदाई के लिए तुम बैठ गई थी गाड़ी में, हम वहीं पे थे। हाँ, पता है, फिर पता कुछ है। कुछ हुआ था, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो। इनको पिला दिया था। पिला दिया था, बिहार में वैसे ही बंद है, कुछ नहीं पिलाया था। तो दोस्तों आज अभी हम लोग बताने जा रहे बिल्कुल सूफी बंदा होंगे। मेरा बंदा बहुत सीधा साधा है। लड़की। और दोस्तों मैं बता दूं, शादी के बाद ना हम लोगों की शादी हुई थी 2 तारीख को, हमारी ट्रिप थी जाने की बाहर 18 तारीख को। नहीं इस बार ना हाँ इसको पता ही नहीं था कि हम लोग को बाहर जाना भी है। तो मैं बोला कि अरे बाहर घूमने जाना है। तो 17 तारीख को ना अब कोविड का थोड़ा बहुत हम लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे ना तब हम लोग को पता लगे कि अच्छा मास्क वगैरह कुछ कुछ कंपलसरी हो चुका है 17th of March से। हम लोग बाहर नहीं, पहले हम लोग शादी के पहले ही टिकट करा लिए थे हनीमून के लिए। हाँ शादी के पहले ही मैं टिकट करा लिया था। मैं बोला कि यार फॉरेन तो जा नहीं सकते हैं बाहर अभी, क्योंकि इसका पासपोर्ट अभी भी नहीं बना हुआ है। तो अभी इधर लॉकडाउन वगैरह का चक्कर में वैसे ही मैं अप्लाई नहीं किया क्योंकि घर पे पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। तो मैंने टिकट पहले ही बुक कर लिया था। इसको भी पूछता था कि कहाँ जाना है, पहाड़ों में जाना है कि बीचेस पे जाना है। ये ना शादी के पहले तो पहाड़ वगैरह का फोटो देख के बोलते थे कि देखो देखो ये जगह है, मैं गया हूँ, ये जगह चलना है। मेरे को ये बन गया, ये पहाड़ वहाड़ का फोटो भेज के ऐसे कौन बोलता है। मैंने सब पूछा कि तुम्हें घूमना पसंद है कि नहीं, क्योंकि ये पढ़ती रहती थी। तो कहती कि नहीं मुझे घूमना बहुत नहीं, मेरे को बिलीव नहीं होता था कि ये इतना पहाड़ में, वही अभी मैं बोली नहीं, वही मेरे को बिलीव नहीं होता था। तो फिर ये बोले कि नहीं नहीं तुम जैसा सोच रही ऐसा कुछ नहीं है, तुम शादी के बाद देखना कितना मजा आएगा घूमने में। तब लगा कि हाँ थोड़ा पहाड़ वहाड़, हम लोग तो पूरा हिमालय देख चुके हैं फ्लाइट से। मनीषा को पहली बार पहाड़ भी मैं ही दिखाया था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मनीषा घुमाने में। बिल्कुल ऐसा फील होता ना कि मतलब किसी को कुछ कुछ बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग जब गए तो हम लोग अभी
चंडीगढ़ में थे, चंडीगढ़ में अपना सैनिटाइजर ढूंढ रहे थे, सैनिटाइजर की दुकान दुकान मिली लेकिन वहाँ सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था क्योंकि उस समय ना एकदम अफरा तफरी का माहौल आ गया था कि चंडीगढ़ में भी 4 केसेस आ गए हैं और लॉकडाउन लगने वाला, तब तक 22 मार्च हो गया था। शादी के बाद भी लॉकडाउन लगी थी ना मार्च में, तो वहां से 17 तारीख को हम लोग गए बाहर, 10 को होली थी, 17 को बाहर गए। पहले हम लोग कहाँ गए थे वो सब कुछ बताइए ना, मतलब बताइए ना, आप मुंह में आपके टेप लगाएगा। सारी बात छोड़िए गाइस, इनकी चेहरे की चमक का राज बताता हूँ मैं आज, इनकी जो चेहरे हैं नहीं पहले मेरे को तो गाइस आज इनकी चेहरे की चमक का मैं एक राज आपको बताता हूँ। अभी क्या किया ना, अभी 22 से 24 मई तक का ना ये पर्पल ऐप पे पर्पल उस पर एक सेल चला हुआ था जिसमें अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा था। तो ये देखे जा रही थी, मैं बोला क्या देख रही है ये अपने लिए, पता नहीं क्या क्या ये गुड वाइब्स के इतने सुंदर सुंदर ये फेस वॉश खरीदी। मैं बोला कि यार तुम अपने लिए खरीद रही हो, देखिए ये पपाया वाला खरीदी। मैं बोला तू अपने लिए खरीद रही है, मेरे लिए भी खरीद, तो मेरे लिए देखिए काला सा चारकोल वाला खरीदी है। लेकिन गाइस टच बहुत अच्छा है और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला है आप लोगों को। मैं बताऊं अगर जो चारकोल है ना वो ऑयल कंट्रोल करता है, इंप्योरिटीज को रिमूव करता है और साथ ही साथ एक्ने ब्रेकडाउन को भी रिड्यूस करता है। बात करें पपीता की तो पपीता कील मुहासों से छुटकारा दिलाता है, पपीता चेहरे को बेदाग बनाकर उसे निखारता है, पपीता टैन को भी दूर करता है, झुर्रियों को कम करता है, बहुत फायदे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स भी देखिए इसमें क्या है बताओ तुम। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है ये, तो आप लोग देख सकते हैं ये ना बहुत ही अच्छा, क्या खुशबू है इसका, मेरे को बहुत पसंद आया इसका खुशबू। और आज मैं इसको यूज की थी, यूज करने के बाद तो इतना मस्त चेहरा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया था, बहुत मजा आया, बहुत मजा तो आई रहा है। इसके साथ साथ और भी गुड वाइब्स के यहाँ पर चीजें हमने मंगाई है, बॉडी मसाज ऑयल और यहाँ पे ऑरेंज जेल, ये सारी कुछ जो भी हमने प्रोडक्ट्स मंगाए हुए हैं ये सारा प्रोडक्ट्स हमने मंगवाया है purple.com से। 4 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा लेने पर इस पर गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पे हमें 35% तक का डिस्काउंट मिला है, साथ में बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पे अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखेंगे। वहीं अगर आप वैम आयुर्वेदा का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो अभी फ्लैट 35% ऑफ मिलेगा, इसमें आपका गुलाब जेल हो या सूदिंग पैक हो या फिर कोई भी आप आयुर्वेदिक यहाँ पे आप ले सकते हैं। और अगर डर्मडॉग जैसे ब्रांड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको अप टू 25% तक ऑफ मिलेगा, जैसे कि हमने ऑयल कंट्रोल फेस सीरम और डे नाइट क्रीम सब कुछ मंगाया हुआ है, वो भी दिखाएंगे आपको। बात करें अगर एल्प गुडनेस की तो पे भी आपको बाई टू एंड गेट फ्लैट 30% ऑफ, अगर आप दो प्रोडक्ट लेते हैं तो 30% तक का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिल जाए। आते हैं हम लोग स्टोरी पे, स्टोरी की अगर हम बात करें तो नहीं अब बता रहे ना तो चंडीगढ़ आप वही बताइए कि हम लोग सबसे पहले हम लोग गए हुए थे बाई कार, नहीं ट्रेन ही से गए थे हम लोग है ना, तो हम लोग गए हुए थे अमृतसर, गए थे रिफंड नहीं आया है एयर इंडिया वालों की तरफ से, क्योंकि एक फ्लाइट की टिकट कोविड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कैंसिल हुई थी हमारी, जिसका अभी तक रिफंड नहीं आया है। और एक टिकट जो थी वो तो हम लोग खैर सधा चुके थे जाने के टाइम, फिर हम लोग फोटो भी है मैं दिखा दूंगी यहाँ पे। सुना अभी स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुआ, 4 मिनट हो गई रोने लग गई थी बिल्कुल कि इसका मन हल्का हो रहा है, कह रही कि यार मैं कहाँ फंस गई हम लोग, ये तो नहीं होगा। बोला चुपचाप मनाली चलो घूमते हैं देखेंगे लॉकडाउन का, क्योंकि केसेस उस समय बहुत कम थे। फिर मनाली वाली बस में हम लोग बैठ भी गए, मनाली की तरफ बस हमारी चली भी गई, बॉर्डर पे जाने के बाद पता लगा कि नहीं बॉर्डर में एंट्री अलाउड नहीं है दूसरे स्टेट से आने वाली बसों की, और हमें यू टर्न लेकर के वापस दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली से हम लोग ट्रेन पकड़ करके वापस हम लोग अपने घर गए, और हम लोग जब घर गए उसके बाद से भाई साहब ट्रेन बिल्कुल बंद। फिर हम लोगों को लगा कि यार हम लोग कितने लकी हैं कि घर भी टाइम से पहुंच गए, घूम फिर भी लिए अमृतसर का, हम लोग स्वर्ण मंदिर हम लोग गोल्डन टेम्पल घूमे थे, मत्था टेक लिए थे, काफ़ी अच्छा लगा था हमें वहाँ पे। और भी बहुत सारी मतलब चीज़ें, मनीषा बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी, फिर जैसे हम लोग घर आए मनीषा को सुबह, तो आप लोगों को पता है घर पे रह के हम लोग को उठना भी पड़ता था, इसको जल्दी उठना पड़ता था, मैं थोड़ा आराम से भी उठ जाता था, ये सुबह उठ करके सारा घर का किचन विचन का काम वाम करने लग जाती थी, क्योंकि कोविड वगैरह सब कुछ चल पड़ा था उस टाइम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। फर्स्ट वाले उसमें तो हमारे पास इंजेक्शन वगैरह भी तो कुछ आया भी नहीं था, तो पैनिक कुछ ज़्यादा ही था। और उसके बाद से मेन था कि इसको अंदर से घबराहट हो रहा था, क्योंकि कहीं बाहर घूमने फिरने भी नहीं जा पाती थी, मुझे भी अंदर से ये लगने लग गया, क्योंकि मैं तो हमेशा हर मंथ में घूमता फिरता था और मेरा घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। अभी भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन ये जो दूसरी लहर चल पड़ी है इसमें भी इतने दिन से हम लोग घर में हैं, तो पता नहीं अंदर से कैसा कैसा सा फील होता है।
तो बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद घर में हम लोगों के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। प्रॉब्लम्स क्या हुई थी कि हम घर आखिर छोड़ के क्यों आए, घर से हम बाहर क्यों आए। सब लोग अपने फैमिली के साथ स्टे करते हैं, मैं भी घर पे रहना चाहता था, मैं भी बिहार में रहना चाहता था, मैं भी बिहार के लिए काम करना चाहता था, लेकिन मुझे भी मजबूरी में वहाँ छोड़ना पड़ा वो जगह, लाइक हमें बाहर आना पड़ा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है फॉर द फोरमोस्ट मनीषा का एजुकेशन। मनीषा का एजुकेशन मेरे लिए प्रायोरिटी रखता था, और जैसा कि शादी के पहले भी हमने कमिटमेंट किया था कि हम लोग इसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन देंगे, कोई बात नहीं है। अभी इसका जो ग्रेजुएशन चल रहा था उस समय, वो भी मतलब मेरा था कि नहीं, अच्छी ग्रेजुएशन एक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ लॉकडाउन। लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ, हम लोगों का जो कोचिंग और स्कूल बंद हो गया, उसके वजह से हम लोग बहुत सारे लॉस में थे। और इनफैक्ट आपको ऑलमोस्ट बता दूं कि इनकम हम लोग का ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। टिकटॉक पे हम लोगों को ऑलरेडी आप लोगों ने इतना सारा प्यार दे दिया था, उसके बाद जैसे टिकटॉक बैन हुआ, यूट्यूब पे आप लोगों का सपोर्ट तो भाई बेइंतहा मोहब्बत आप लोगों का, मतलब आज भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक तो बनता ही है, और आप लोग इतना सारा प्यार करते हैं हमें गाइस, हमें खींच लाता है वो चीज़ कि हम लोग आपके लिए कोई ना कोई कंटेंट लाए। इसलिए हमने सोचा कि रोज़ रोज़ कुछ ब्लॉग्स दिखाई ना, आज हमने कुछ स्टोरीज शेयर करनी थी, तो मैंने बोला चलो शेयर कर देते हैं। बहुत सारे हमने ताने सुने, बहुत डांट सुनी, बहुत सारे जिसके मुँह जिसकी शक्ल तक हम देखना नहीं पसंद करते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे वो लोग भी कुछ कुछ मुंह पे बोल के जा रहे थे और हम लोग चुपचाप सुन रहे थे। लेकिन एट लास्ट मुझे अपने आप पे भरोसा था कि नहीं, हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, और टच वुड आज सब कुछ ओके हो चुका है। आप लोगों को भी पता है बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे लोग आकर के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते थे, सबको फाइट करना, सबको टैकल करना। मनीषा हर रोज़ रोती थी, हर रोज़ रोती थी, मैं हर रोज़ मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मैं अपसेट हो जाता था। मुझे भी अंदर से फील होता था कि यार लाइफ कैसी हो गई, मैं कितना अच्छा था। ये लॉकडाउन ने मतलब रियली बहुत ज़्यादा, स्कूल वाले जो लोग होंगे ना वो लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में होंगे, जिनका खुद का स्कूल होगा, वो कितने ज़्यादा लॉस में चले गए। मनीषा को भी बहुत बुरा लगता था, आप लोग कुछ उल्टे पुल्टे कमेंट्स बहुत सारे लोग कर देते थे, तो अब किसको ब्लॉक करें किसको नहीं ब्लॉक करें, अभी भी करते रहते हैं लोग, तो चलो खैर हम लोग इग्नोर कर ही देते हैं। लेकिन पता क्या, जिंदगी में हम लोगों ने ये सोचा कि यार अगर आगे बढ़ना है ना, तो हम लोगों को अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा। तो सब रिलेटिव सबकी बात सुनते समझते, किसी को इग्नोर करते, किसी की बात सुनते, किसी को ध्यान में रखते, हमने फैसला लिया कि नहीं, हम बाहर रहेंगे, यहाँ पे अभी नहीं रह सकते हैं, बाहर में अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। तो फाइनली मनीषा का मैं एडमिशन कराया। जब मनीषा का एडमिशन करा रहा था ना, तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मनीषा को लग नहीं रहा था कि इसका एडमिशन होगा ना जी, ये मेरे को मतलब एक दो महीने ये बिल्कुल मेरे को ये कहती थी मेरा एडमिशन करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा, मेरे को एक चीज दिखा इसके में कि नहीं, इसके में पढ़ने का है इसका, मतलब अगर आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का इसका सारा पेपर क्लियर है गाइस। मतलब मेरे को लग नहीं रहा था, मेरे को खुद को यकीन नहीं था कि ये पहले सेमेस्टर में अपना पेपर्स क्लियर कर पाएगी, लेकिन आज ये धीरे धीरे क्लियर कर चुकी है, और ऐसे ही मुझे लगता है कि सारे सेमेस्टर्स भी क्लियर करेगी और जल्दी इसके पास एक डॉक्टर की डिग्री हो जाएगी। हाँ, वो और एक कमेंट अभी, में ना, अभी ये बीपी चेक करना सीख चुकी है, अभी ये ब्लड टेस्ट करना सीख चुकी है, बहुत सारी चीजें सीख चुकी है और धीरे धीरे बहुत कुछ सीखेंगी भी। तो ये होती है एजुकेशन, और गाइज एजुकेशन में जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा है। कुछ कह रही थी, नहीं हम बोल रहे थे ना कि इसके वो क्या सीखे नहीं सीखे वो सब एक अलग उसका स्टोरी बनाएंगे। और आप सबको किस स्टोरी पे ज्यादा मजा आता है, किस, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज, हम लोगों ने बहुत बार बताया गाइस हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन अरेंज मैरिज के बाद भी कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम बात करते रहते हैं लव में कन्वर्ट जाता है, तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारा लव में कन्वर्ट कब हुआ, लाइक हमारी अंडरस्टैंडिंग, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए ना सबसे अच्छी चीज उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बॉन्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बॉन्ड की अंडरस्टैंडिंग हमारी बीच, हमने एक दूसरे को समझा। पहले ये थोड़ी बहुत चिढ़ती थी, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड्स का कॉल वगैरह आएगा तो ये थोड़ा सा अंदर ये करती थी, तो मैंने इसको, ये भी बहुत चिढ़ते थे जब, हाँ इसके किसी फ्रेंड्स वगैरह चिढ़ता नहीं था मैं, फिर इसको मैं भी चिढ़ती नहीं, मेरे पास ये अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। तो मैं मनीषा को एक दिन सब कुछ मतलब हम लोगों ने बातचीत करके इसको सॉर्ट आउट किया। हमारे बीच बीच में कुछ कुछ बातों पर लड़ाई भी होती थी, बहुत सारी बातों पर लड़ाई होती थी, जैसे अभी कुछ दिन पहले खाना नहीं खाने को लेकर के लड़ाई हुई, कल हम लोग मजाक मस्ती करते रहते हैं, तो ये तो हर रिश्ते में थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती रहती है, रिश्ते को चलाना हमें आना चाहिए। बस यही सब तो चीज़ें थी, बहुत सारी
बातें आप लोगों को जो चीज़ पूछना होगा आप लोग इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। हम लोग उस पर अगला ब्लॉग या फिर 2-3 दिन बाद हम लोग फिर से एक ब्लॉग लाएंगे, उसमें आप लोगों से शेयर करेंगे बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो और हम दोनों की जोड़ी को आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग ले आएंगे अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारी पहली एंगेजमेंट क्यों टूटी थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टोरी, तो इनकी मेरी तो हुई नहीं, किसकी देखो अभी हुई थी, मेरी कुछ नहीं हुई थी, अभी बात चल रहा था ना, फिर कोई बात नहीं चल रहा था। चलिए खैर जो भी है, आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हम लोग शेयर करेंगे उसको कुछ आने वाली कुछ वीडियोस में। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों का इतना सारा प्यार हमारे लिए बेहद मायने रखता है। उम्मीद है कि आप सभी का प्यार और आप सभी का स्नेह यही बना रहेगा। और जो लोग हमारे चैनल मनीषा की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मनीषा की दुनिया पे भी प्यार दिखाइए गाइस। मनीषा की दुनिया उदास हो जाती है। आज मेरे को बहुत मजा आया, आज मैंने वीडियो डाला था और सिर्फ खूब सारा प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस वहाँ भी हम लोग एक ब्लॉग दिन में 1 बजे डालते हैं, और हाँ यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग हर रोज 9:30 पे ब्लॉग डालेंगे। वहाँ से लोग कह रहे थे कि टाइम फिक्स कर लीजिए, दिन में 2 ब्लॉग डालिए, हमने सोचा कि दिन में 2 ब्लॉग तो आप एक ब्लॉग आपको मनीषा की दुनिया पे मिल जाएगा दोपहर 1 बजे के आसपास, और 1 9:30 पे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना सारा प्यार देने के लिए, आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया। जय हिंद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उसके बाद मैंने चर्चा।